और अल्मोड़ा में मिशन इंद्रधनुष अभियान 5.0 की शुरुआत हो गई है। महिला अस्पताल में आयोजित कार्यक्रम में नगरपालिका अध्यक्ष प्रकाश चंद्र जोशी, भाजपा जिलाध्यक्ष रमेश बहुगुणा ने अभियान का शुभारंभ किया है, जिसमें 5 साल की आयु के कई बच्चों को टीके लगाए गए हैं। भाजपा जिलाध्यक्ष ने अभियान के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार भी जताया है। अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने बताया है कि यह अभियान 3 चरणों में आयोजित होगा। उन्होंने ये भी बताया है कि पिछले 20 दिनों में आशा वर्कर द्वारा जिले के सभी 11 विकास खंडों में एक सर्वे किया गया। सर्वे के दौरान स्यालदे और ताड़ीखेत समेत अन्य ब्लॉकों में कुछ ऐसे बच्चे चिन्हित किए गए हैं जो किसी कारणवश टीके से छूट गए थे। अभियान के तहत इन बच्चों को शामिल करते हुए अन्य सभी बच्चों और साथ ही साथ गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण भी किया जाएगा। और ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं उत्तराखंड के अल्मोड़ा से, जहां पर जिले के सभी 11 विकास खंडों में सर्वे किया गया है और मिशन इंद्रधनुष अभियान 5.0 की शुरुआत की गई है। 5 साल की आयु के बच्चों को इस दौरान टीका लगाए गए हैं, साथ ही साथ गर्भवती महिलाओं को भी चिन्हित कर उन्हें भी टीकाकरण उनका भी किया गया है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां पर अभियान के तहत, मिशन इंद्रधनुष अभियान के तहत इसकी शुरुआत की गई है। 5 साल की आयु के बच्चों को टीके लगाए गए हैं, साथ ही साथ गर्भवती महिलाओं को भी टीका लगाया गया है। इस दौरान उन्हें सर्टिफिकेट भी दिया गया है। आज पूरे देश के अंदर जो इंद्रधनुष कार्यक्रम लॉन्च किया गया है, उसके लिए मैं सबसे पहले माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी को धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने जो इस कार्यक्रम को इंद्रधनुष अभियान के तहत हमारे जो कहीं पर दुर्गम क्षेत्रों में कहीं पर बच्चे का टीकाकरण या गर्भवती बहनों का टीकाकरण होने से रह जाती थी, उसके लिए एक बहुत बड़ी योजना आज चालू की गई है। महिला चिकित्सालय अल्मोड़ा में हमने इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष 0.5, जैसे कि इसको नाम दिया गया है, उसका हमने शुभारंभ किया है। ये कार्यक्रम भारत सरकार एवं राज्य सरकार के दिए गए निर्देशों पर किया गया है। बेसिकली इस कार्यक्रम का जो उद्देश्य रहता है वो ये रहता है कि जितने भी ऐसे बच्चे हों जो जिनको हम लेफ्ट आउट या ड्रॉप आउट कहते हैं, जिनका टीका का कोई भी डोज या कोई भी टीकाकरण अगर छूटा हुआ हो, तो ऐसे बच्चों को हम एक विशेष सर्वे के द्वारा आइडेंटिफाई करके उनका इस हफ्ते कंप्लीट वैक्सीनेशन करते हैं।